पर्यावरण बचावना संदेश साथे यूपीना जौनपुरथी निकळेल साइकल यात्रा अंकलेश्वर खाते आवी पहोंचता आदिवासी युवानोए तेनुं भव्य स्वागत कर्युं हतुं। यूपीना जौनपुर खाते रहता करण राजवीर 3 महीना पहला पर्यावरण बचावना संदेश साथे पोताना घरेथी साइकल यात्रा उपर निकळ्या छे। जो यूपी हरियाणा पंजाब उत्तराखंड जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश अने राजस्थान मध्य प्रदेश थी अंकलेश्वर खाते आवी पहोंचता आदिवासी युवानोए तेमनुं भव्य स्वागत कर्युं हतुं। आ साइकल यात्रीए ग्लोबल वोर्मिंग पाछळ जंगलो ओछा थवाथी बदलाव आप्यो होवानुं जणावी आवनार समयमां एक व्यक्ति 5 वृक्षोनुं वावेतर करे तेवी अपील करी हती। हम आदिवासी हैं और आदिवासियों में जंगल जमीन को लेकर प्रेरणा उनके खून में होती है, उनके नस में होती है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, मेरे पास डाटा है 1947 का, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 23% जो जंगलात थे यानी वन विभाग था, लेकिन 2011 में मैंने जब डाटा को कलेक्ट कराया तो हमारे पास में टोटल जो वन संपत्ति 11% है। हमने 70 साल में 12% जंगल को काटे हैं, जिसका रिजल्ट रहा ये कोरोना महामारी और बदलता हुआ मौसम। बड़ी दुख की बात आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया के एक स्टेट है खूबसूरत पंजाब है, जो कि देश का अन्नदाता कहा अन्न स्टेट कहा जाता था, जो फूड सबको देता है। आज उसके 23 जिलों में से 18 जिले ड्राई जोन में आ गए हैं। कारण यही है कि पंजाब के किसान खेती तो करता है लेकिन पर्यावरण को नहीं समझ पाता। अगर वो पेड़ भी लगा रहा तो वो लगा रहा जो ज़मीन का दुश्मन है, जैसे सफ़ेदा पॉपुलर जो ज़मीन को नष्ट करता है, जबकि पर्यावरण बचाने के लिए आपको वो पेड़ चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा छाया दे सके, जैसे पीपल, बरगद, महुआ और फलदार आम, ये सब लोगों को लगाना चाहिए। जो लोग नहीं लगा रहे हैं ये दुखद की बात है। आप तरक्की करो, आप देखिए ये हमारे इंडिया का हाल है। अगर आप यूरोप चले जाओ, यूरोप के लोगों ने अभी तक जो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, यहाँ तक उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो दरियाओं का पानी पीते हैं, वो अब तक अपनी ज़मीन का पानी को उन्होंने टच नहीं किया है। मतलब उनको पता है ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है, जबकि हमारे देश के लोगों ने ज़मीन का पानी घींच घींच के ख़त्म कर दिया, सुखा दिया है और ऊपर को भी काटे जा रहे हैं। यानी कि ना हमको बरसात का पानी मिलने वाला है, ना ज़मीन का पानी मिलने वाला है। आने वाले दिनों में हमारे पीढ़ियाँ, हमारे लोग बिना पानी के मरने वाले हैं। जी ये श्रीमान जी, अब तक तो मेरा टोटल 8,200 किलोमीटर की यात्रा हुई है, जो कि 90 दिनों में कम्प्लीट होता है। अभी टोटल 27 स्टेट बाकी हैं, क्योंकि भारत का टोटल 36 राज्य हैं जो केंद्र शासित मिलाकर भी हैं, तो उसमें मैंने अभी 9 ही किए हैं। अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, असम, सिक्किम होते हुए फिर हम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये ठीक उसी तरीके से होगा। आप खुद का झूठ बोलते हो। देखिए, अगर आप पर्यावरण नष्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को नष्ट कर रहे हो। आप कुछ पल के लिए आप सुकून से ज़िंदगी जी सकते हो, पर आपको इसी धरती पर रहना, पूरे वायुमंडल में एक ही धरती ऐसी है जहाँ जीव है, तो आपकी पीढ़ियाँ, आपकी नस्लें इसी पर, इसी धरती पर रहने वाली हैं। अगर आपने इसको नष्ट कर रहे हो या इससे झूठ बोल रहे हो तो आप आने वाली पीढ़ियों से झूठ बोल रहे हो, या आप बिल्कुल गलत हो। आप ऐसा नहीं सोचो कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है।